शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या बात है बहन जी? शिवान सिंह ने आपकी बेटी स्वीटी के साथ शादी का वादा करके उसे बरगलाया और फिर उसी की बहन से शादी कर ली। शिवान सिंह, या तो तुम जेल जाओगे या श्रवणी को छोड़कर स्वीटी के साथ तुमको शादी करनी होगी। ताऊ जी, दवाई लेकर आए। हमको दवाई की जगह ना जहर ले आओ, हमको खिला दो, एक है बार में सो मोक्ष बच जाए। ताऊ जी, हम हाँ तुम कौन हो? तुम हमें तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, फौरन मिलो। ओके। उसके हमने पूरी तरह से अपना लो, वरना नीचे जो होने वाला है ना उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। या तो तुम जेल जाओगे या श्रवणी को छोड़कर स्वीटी के साथ तुमको शादी करनी होगी। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। तुम ही ने धक्का दिया था ना उसको, ये जानते हुए भी कि वो माँ बनने वाली थी। देखो, हमारा मत्था मत खराब करो। हम पहले से भरमराए हुए बैठे हुए हैं। अरे एक नंबर की चलाक लोमड़ी आपकी बहन, आपको दिखता नहीं है क्या? एक सांस में दो दो झूठ बोलती है वो। खुद रिपोर्ट की थी हमने। हमारा कोई हाथ नहीं है उसमें, वो तो पहले दिन से हमारे गले पड़ रही है। किसी और का टोकरा हमारे सर पे रखवा रही है वो। झूठ बोलना बंद करो तुम। तुम ना पहले दिन से मुकर रहे हो, तुम ही शादी कर रहे थे ना उससे, हम ही ने आके रोका था तुमको, और अब तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो। देखो शिवांश, अभी भी समय है, अपना लो उसे, तुम सबको बदनामी से बचा सकते हो। हाँ, ताकि आपका पिंड हमसे छूट जाए, है ना? तुमसे छुटकारा पाने के लिए ना अपनी बहन को नहीं फंसाएंगे तुम्हारे साथ। हम बस इतना चाहते हैं कि एक शरीफ इंसान की तरह अपनी गलती सुधारो। और एक लड़की को ऐसे बदनाम करके छोड़ देना, कहाँ की शराफत है ये? आप सब लोग मिले हुए हो, सबकी रगों में एक ही जैसा खून है, ये खानदानी मक्कार है। खानदान, एक बात बताओ, तुम ये बार बार हमारे खानदान को बीच में क्यों लाते हो? हाँ, आखिर ऐसा क्या किया हमारे खानदान ने? देखो बीवी, हमारे मुंह मत लगी आप, और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आप भले चाहे हमें कितना भी घटिया, चाहे कितना भी गिरा हुआ इंसान समझ ले, लेकिन हम इतने भी गिरे हुए नहीं है कि अपने बच्चे के बाप होने से मुकर जाए। अगर हमारा बच्चा होता ना तो छाती ठोक कर चौड़े में कहते कि हमारा बच्चा है और अपनाते उसे, लेकिन एक बार हम कह दिए ना कि हम आपकी बहन को हाथ नहीं लगाए तो मतलब नहीं लगाए, यही सच है। भले आप चाहे माने या ना माने, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या फिर स्वीटी झूठ बोल रही है? कैल्पिट कौन है और स्वीटी को क्यों फोन कर रहा है? स्वीटी, हमारा बात करना बहुत जरूरी है, कम से कम हमारे बच्चे के लिए तो फोन उठा लो। से बात करने की कोशिश कर रहे हैं यार, किस बात को लेकर गुस्सा हो यार? गुस्सा तो हमको होना चाहिए, पहले तो तुमने हमको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया था, फिर अचानक से आके ये कहोगे कि तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो हम क्या कहेंगे? आदमी को झटका सहने का भी तो टाइम चाहिए ना। इसका मतलब
स्वीटी झूठ बोल रही थी। ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड अर्पित का है, शिवांश का नहीं। क्या कर रही हो? हमारा फोन दो, फोन दो हमारा। हमारे फोन में क्या धाकाचाकी कर रही हूँ? हमें जो जानना था ना वो जान चुके हैं। ये बताओ शिवांश को क्यों फंसा रही थी तुम? बोलो, हमें नहीं पता क्या कर रही हूँ। ये बच्चा तुम्हारे बॉयफ्रेंड अर्पित का था, शिवांश का नहीं है ना? तो शिवांश का नाम क्यों लिया तुमने स्वीटी? कुछ पूछ रहे हैं हम स्वीटी, हमें तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी। सफाई तो तुम्हें देनी पड़ेगी स्वीटी। तमाशा बना के रख दिया है तुमने और उस तमाशे में हमको भी पीस डाला, और तुम कहती हो कि सफाई नहीं देनी। तो तुम बताओ, तुमने शिवांश से शादी क्यों की? तुम्हें तो पता था ना कि हम चाहते हैं शिवांश को, तो फिर क्यों की? बोलो ना, बोलो। अगर ये बच्चा अर्पित का था और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो शिवांश से शादी क्यों करनी थी तुमको? और शिवांश क्या कह रहा था? कि तुमने उससे अपना नाम शवनी बताया था। क्यों किया ऐसा तुमने? क्योंकि जब देखो तभी शिवांश सिर्फ तुम्हारे नाम की माला जपता था। हमें नहीं पता उसे क्या चाहिए था, तुम्हारी सीट या फिर तुम। पर हमें ना, हमें सिर्फ शिवांश ही चाहिए था, इसीलिए हमने श्रवणी बनकर शिवांश को शादी करने के लिए मजबूर किया था। ऐसे बेचारी मत बनो तुम ना कोई बेचारी नहीं हो। बचपन से ही हमारे सारे हक छीन कर बैठी हो तुम। इस हवेली की लाडली बेटी की जगह, और उस दिन कुलदेवी के मंदिर में क्यों चली आई थी तुम? अगर तुम उस दिन नहीं आई होती ना, तो तुम्हारी शादी हो गई होती। इसीलिए हमें ये प्लान बनाना पड़ा। वैसे तुम्हें तो शिवांश पसंद नहीं है ना, तो दे दो ना हमें अपना पति। शिवांश कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हें दे दे। तो बताओ वो क्या है तुम्हारे लिए? पति मानती हो उसे? मानती हो? बताओ ना। तुम्हें ना हम बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं शिवांश से पीछा छुड़वाने का, लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं झूठ मूठ लड़ते लड़ते तुम उसे सच्ची में दिल दे बैठी। स्वीटी, बात यहाँ पे हमारी नहीं हो रही है, बात यहाँ पे ये है कि इतना घटिया इल्जाम लगाया तुमने उस पर। तुम सिर्फ इतना बोलो कि तुम शिवांश को छोड़ोगी कि नहीं। पागल हो गई हो क्या स्वीटी? दिखाई नहीं देते तुम्हें? ये सब जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, उसमें हमारा नहीं खुद का तमाशा बना रही हो। हमारी इज्जत सबको बर्बाद कर देगी। स्वीटी, ठंडे दिमाग से सोचो, अगर हम हट भी जाए ना तो शिवांश कभी नहीं अपनाएगा। समझ क्यों नहीं रही हो तुम इस बात को? ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी भी नियत टोल गई है, खुद कर्ज गई कि? चली जाओ यहां से, चली जाओ।
ये श्रावणी तो हमारा सारा खेल खराब कर देगी। कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोलिए शिवांश बाबू, क्या फैसला किया? श्रवणी को छोड़कर स्वीटी को अपनाएंगे या नहीं? मैंने कहा था आज फैसला होगा। आप अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सके तो सजा तो मिलेगी। पकड़ लो इसके हाथ। क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए हमारे शिव को। कुछ नहीं किया इसने, छोड़ो। हमने कहा था श्रवणी को छोड़कर स्वीटी को अपना लो। मौका भी दिए थे तुमको, पर तुम हमारी बात नहीं माने। अब पूरा गोरखपुर देखेगा कि एक लड़की के साथ बदसलूकी करने का अंजाम क्या होता है। छोड़ दो उसे, छोड़ो हमारे बेटे को, छोड़ो। एक दिन भी वो खुद को निर्दोष कैसे साबित कर सकता है? क्यों? इसे भी तो पता चले कि शरीफ घर की लड़कियों की इज्जत से खेलने का क्या अंजाम होता है। देख क्या रहे हो, मुंह काला करो इसका। भाई राम, इसका मुंह काला हुआ तो ये तो अपना मुंह खोल देगा, सब पक देगा। स्वीटी को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले इसका इलाज सोचना होगा। देखिए देखिए, ये आप जो कर रहे हैं ये अन्याय है। और आपके बेटे ने जो स्वीटी के साथ किया, क्या वो न्याय है? कोई जरूरत नहीं है इनके आगे गिड़गिड़ाने की। छुट्टी, अम्मा को संभालो। माँ आप पीछे हटिए, पीछे हटिए माँ। और आप देख क्या रही हैं? अगर आपको लगता है कि हम गुनहगार हैं, तो आप अभी वही कीजिए जो आपको सही लगता है। वो तो हम करेंगे ही। रुक जाइए। ये कैसे होश में आ गई इतनी जल्दी?
जब तक तुम होश में आओगी तब तक शिवांश हमारा हो चुका होगा। शिवांश बेकसूर है। तो आ गई तुम अपने पति का पक्ष लेने। कैसी बहन हो तुम? किसी का पक्ष नहीं ले रहे हम, बल्कि मजबूरी में अपनी बहन का झूठ सबके सामने साबित करना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, हमारी बहन जिसका हमने कभी बुरा नहीं चाहा, उसने हमारे सामने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। अंदर आ जाओ। अर्पित है। स्वीटी ने जिस बच्चे को खो दिया, उस बच्चे का असली पिता ये है। शिवांश नहीं, आप सब लोगों को जो भी सवाल पूछने हैं इससे पूछ लीजिए। ये सच कह रही है? स्वीटी और हम एक दूसरे से प्यार करते थे। कम से कम हम तो यही सोचते थे, लेकिन इसने हमसे ब्रेकअप कर लिया था ये कहकर कि हमारी हैसियत नहीं है। और फिर एक दिन अचानक से हमें आकर कहने लग गई कि हमारी बच्चे की मां बनने वाली है। इसने हमारी इंसल्ट की थी, हम गुस्से में थे। बाद में पछताए, इन्हें कई बार कॉल किया लेकिन इसने मेरा कॉल नहीं उठाया। और अब पता चल रहा है कि ये किसी और लड़के को फंसा रही है। स्वीटी तुम खुद कर तो हमेशा से थी, पर इतना गिर जाओगी हम कभी सोचे नहीं थे। हमें शर्म आती है कि हमने तुमसे कभी प्यार भी किया था। और हमें तो ये लगता है कि तुमने ये बच्चा भी किसी मतलब से गिराया है। ए लड़के, एक घंटा मारेंगे यही गिर जाएगा। जिससे तू बात कर रहा है ना, वो बेटी है हमारी, समझा? हम जानते हैं अंकल जी। ये मैसेजेस देख रहे हैं आप, ये नंबर आपकी बेटी का ही है ना? हम आपकी बेटी को और अपने बच्चों को अपनाना चाहते थे, लेकिन इसने हमसे बात करना ही बंद कर दिया था। तुम यही चाहती थी ना, तो आज के बाद हम तुम्हारा मुंह भी नहीं देखेंगे। हम तो बच गए, लेकिन श्रवणी ने
जो हमारी बेटी का सरेआम तमाशा बनाया ना, इसका बदला तो हम लेके रहेंगे। बस एक बात बताइए, इतनी कृपा आपने हम पर कैसे कर दी? हमने केवल सच का साथ दिया है। कहीं आप प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हमारे साथ? अगर ऐसा है तो हम आपको याद दिला दें कि हम आपको सिर्फ बर्बाद करने आए हैं। आपकी अंधी, नाम नैनसुख, अपने चेहरे से ये काला ढक्कन उतारो, फिर बात करेंगे। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।